बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलिश्पा है और वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे कज़न की शादी है, जिसकी हम शॉपिंग भी कर रहे थे। तो शादी जो है वो हमारे विलेज में है। तो अभी हम हैदराबाद जंक्शन पर हैं और हम हैदराबाद से सबसे पहले पिंडी जाएंगे। तो अभी चलते हैं आगे के लिए। बने तो ट्रेन आ गई है और अब इस ट्रेन में बैठ के पिंडी के लिए रवाना होना है। और जैसा कि ट्रेन बिल्कुल साफ़ है और अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, वहाँ मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, शोर बहुत था इसलिए। गुड मॉर्निंग। तो रात को बहुत अंधेरा था तो व्लॉगिंग कर नहीं सके। तो अभी हम कहाँ पर हैं, कहाँ पहुँचे हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी हम सो के उठे थे। तो हमने कहा व्यू बहुत आला है, सुबह सुबह बहुत अच्छा व्यू आता है, तो थोड़ी व्लॉगिंग कर ली जाए। तो आपको दिखाते हैं इधर, मतलब जो छोटे मोटे गाँव होते हैं वहाँ भी वो सामने आते हैं, तो वहाँ बहुत प्यारा व्यू होता है और सारी ग्रीनरी होती है, खेत होते हैं। तो अभी आपको दिखाएँगे। ये देखें, ये भी बहुत छोटे घर हैं जो स्टेशन के करीब होते हैं। यार इनको वैसे मसला बहुत होता होगा, कितना शोर होता होगा जो रातों को जो ट्रेन जाती होंगी, बट लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। देखें सारे पैसे व्यू के हैं। आप व्यू चेक करें, सुबह सुबह का वक्त है और ये जो मज़े का व्यू है ना, चस आ गई है। बस ऐसे व्यू देख के ना दिल को सुकून मिलता है। तो अभी जो है देख सकते हैं कि ट्रेन अभी किसी जंक्शन पे रुकने वाली होगी, इसलिए वो स्लो हो गई है। और हमारे साथ वाली ट्रेन भी हमारे अपोजिट जा रही है। और हम जब छोटे होते थे ना, हम क्या करते थे कि साथ वाली ट्रेन वालों को ना मुंह चढ़ाते थे और ना उनको हाय करते थे। अच्छे लोग होते थे तो हाय करते थे, नहीं तो मुँह चढ़ा के ना निकल जाते थे। अभी हो गया है दोपहर का वक्त और भूख लगी थी, तो हमने जो है थोड़ा खाना खा लिया जो घर से ही बना के लाए थे, क्योंकि बाहर का खाना जो है अवॉइड करना चाहिए, इसलिए ट्रेन का और जंक्शन का खाना सही नहीं होता है। और आप देख सकते हैं कि कितना आला सनसेट हो रहा है और क्या आला व्यू है। और अभी तो हमारे को पूरे 24 घंटे लगेंगे, अभी सफ़र ही चलेगा, तो अभी आपको यही मिल सकता है। हाँ, उधर शोर बहुत था, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वॉइस ओवर मुझे बाद में करनी पड़ी क्योंकि उधर बहुत शोर था, मेरी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया और थोड़े लोग भी ज़्यादा थे, ऐसे देखते थे कि जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग। और आप लोगों को थोड़े व्लॉग जो है वो लेट मिला करेंगे, उसके लिए माजरत पहले ही, क्योंकि शादी का घर होता है, आपको पता है काम तो करना पड़ता है, हर बंदे को करना पड़ता है, भले वो मेहमान हो, भले वो कोई और हो या घर का बंदा हो। तो इसलिए घर के काम भी करना ज़रूरी होता है और उनकी हेल्प करवाना भी ज़रूरी होता है। तो अगर लेट हो जाए तो माजरत पहले से, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ हमारे साथ ही रहिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा और आगे से आगे शेयर करिएगा। और अभी जो है व्लॉग चल रहा है, अभी हमारा सफ़र चल रहा है, इंशाल्लाह जल्द ही मतलब शाम तक पिंडी पहुंच जाएंगे। अभी हम पहुंचने वाले हैं जेहलम, और जेहलम के बाद जो है पिंडी तक का सफ़र कम रह जाता है, ठीक है, फिर बंदा 7-8 बजे तक पहुंच जाता है। और आई थिंक हम लोग जेहलम पहुंच चुके हैं, अभी ये बोर्ड पे नाम देखेंगे तो पता चलेगा, तो देखते हैं अभी। हाँ जी, ये हम जेहलम पहुंच चुके हैं और अब इसके बाद तो सफ़र कम रह गया है। तो ये भी शाम का वक्त है और रात तक तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहुँच जाएँगे।
और आपको बताते जाएं कि हम पिंडी पहुंचने वाले हैं। और ये देखें, हम पिंडी पहुंच चुके हैं और ये पिंडी का जंक्शन है जहां बहुत रश है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारी जो पैसेंजर्स थे वो पिंडी के ही थे। और आई होप आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पूरा दिन सफ़र में ही निकला है। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।